हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सभी का स्वागत है मेरे चैनल आस्था इंस्टीट्यूट में। मेरा नाम नरीन। आज हम बात करते हैं UPPCL के ऑफिस असिस्टेंट की कट ऑफ के बारे में। और उसका कट ऑफ तो खैर मैंने आपके साथ शेयर की थी, इसकी कट ऑफ के बारे में, साथ ही में इसकी टाइपिंग और एक इसकी आंसर की आ गई है। उस आंसर की से आप अपने को क्या कहते हैं आंसर चेक कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो ये खुशी की बात है कि आंसर की आ चुकी है और जल्दी ही इसका रिज़ल्ट आने वाला है। किसकी कॉल के लिए? आपकी टाइपिंग की कॉल के लिए। टाइपिंग टेंडर नोटिस जो है वो आपका, देखिए मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख सकता है मेरी। तो उसमें मैंने टेंडर नोटिस पढ़ा भी है कि टाइपिंग का क्या चल रहा है। टाइपिंग के लिए मैं एक बार फिर से आपके साथ शेयर कर दूँ कि वो कुर्ती देव पर होगी 010 और 016, ठीक है। रेमिंगटन जो लेआउट होता है कीबोर्ड का वो आपको मिलेगा वहाँ पर। कीबोर्ड ऑनलाइन आपकी टाइपिंग होगी और उसमें आपको 5 मिनट्स का टाइम मिलेगा हिंदी के लिए और 5 मिनट्स का टाइम मिलेगा इंग्लिश के लिए। हिंदी की टाइपिंग के लिए आपको 30 WPM और इंग्लिश के लिए 35 WPM की स्पीड चाहिए। तो बाकी स्पीड के लिए मैंने दो सॉफ्टवेयर बताए थे, indiatyping.com और typingwala.com। इन दोनों से आप अपनी एक्यूरेसी, अपनी नेट ग्रोस वो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है, आपने ओवरऑल कितने बार टाइप किए हैं। आप इजी पर, मॉडरेट पर, डिफ़िकल्ट पर टाइप करके अपने आप को देख सकते हैं, अपना आकलन कर सकते हैं। तो ये तो रही आपके साथ बातें। बाकी री एग्ज़ाम हुआ है, री एग्ज़ाम के साथ साथ देखिए इसका एक जो थोड़ा सा इसकी कट ऑफ पे जो फ़र्क पड़ने वाला है वो इसकी निगेटिव मार्किंग की वजह से पड़ेगा। उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो भी थोड़े से कम अपियर हुए हैं, कहने का मतलब है कि एबसेंट थोड़े ज़्यादा रहे हैं। और ऊपर से एक चीज़ आप जानते ही होंगे कि जो UPPCL JEE का एग्ज़ाम है उसमें थोड़ी धांधलेबाजी, जो स्कैम हुआ है उसे लेकर के भी थोड़ी एक प्रॉब्लम चल रही है स्टूडेंट्स में। जैसे कि आप जानते होंगे कि 155 वाले का नहीं हुआ, 135 वाले का हो गया। नॉर्मलाइजेशन हुआ तो नॉर्मलाइजेशन कैसा नॉर्मलाइजेशन हुआ, 135 वाले के कर दिए गए 155, जिसके 155 थे उसके कर दिए गए 135। ये कोई बात थोड़ी ना होती है, नॉर्मलाइजेशन थोड़ी ना होता है। ये तो सीधे करप्शन है कि तुमको जो स्टैंड पैसे दे दिए उसका तो आपने कर दिया। खैर ये तो रही वो बात है कि अच्छी बात नहीं है ये आयोग को कि ये सब चीज़ें ऐसा करना कि जो स्टैंड मेहनती हैं, जो 155 नंबर ला रहा है आप उसके 135 कैसे कर दे रहे हो, इतना ज़्यादा थोड़ा होता है। खैर ये रहा। बाकी आपने देखा ही होगा कि जो पेपर का लेवल था वो ठीक था ओवरऑल, जो चारों पोर्शन थे आपके GS, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश ओवरऑल ठीक थे, बट इजी से मॉडरेट थे और कुछ डिफ़िकल्टी भी थे। निगेटिव मार्किंग के साथ इसका जो ओवरऑल कट ऑफ है वो मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ, क्योंकि आपने इसकी आंसर की से अपने नंबर मैच भी कर लिए होंगे। तो इसकी जो आंसर की के हिसाब से मैं जो आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसकी कट ऑफ है आंसर की के बाद ये जाने वाली है जर्नल की, 112 से 115 के बीच में अगर मार्क्स हैं जर्नल के स्टूडेंट के, तो वो उसके ये इस क्राइटेरिया में अगर 112 प्लस मार्क्स हैं तो वो सिक्योर समझिए अपने आप को। OBC के लिए 108 से 113 OBC के लिए। बाकी SC के लिए आपका 100 से 108, ST के लिए 95 प्लस। अगर कोई फीमेल है, अगर जनरल की OBC के है तो उसके 100 प्लस मार्क्स हैं तो सिक्योर हैं। बाकी अगर SC ST या आपका कोई उसके पास कोटा है 90 प्लस हैं तो वो भी सिक्योर है। कहने का मतलब यह है कि SC ST के अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो 90 प्लस में भी उसके सिक्योर मार्क्स ये हैं। बाकी का OBC अगर मेल फीमेल कैंडिडेट है तो 100 प्लस और जनरल के लिए 105 प्लस हैं तो वो सिक्योर अपने समझ सकती है लड़की। बाकी का बॉयज़ के लिए मैंने एक बार फिर से बता देता हूँ कि 112 से 115 के बीच में, OBC के लिए 108 से 113 के बीच में, आपका SC के लिए 100 से 108 के बीच में और ST के लिए 95 प्लस। ये इतने मार्क्स अगर आ रहे हैं इस रेंज में हैं तो ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं। बाकी फिजिकल हैंडीकैप के लिए इसमें आपका 90-95 प्लस होने चाहिए, 90-95 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए सिक्योर। ये तो रही इसकी बातें। अब देखिए इसकी जैसे कि आंसर की आ गई है, आप चेक कर लेंगे कि भाई आप इतने मार्क्स आ रहे हैं इतने नहीं आ रहे हैं। बाकी का ओवरऑल जो कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं या फिर हमारी कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं या आसपास के हैं तो उनके जो व्यूज़ हैं या जो उनका एक आंकलन है जो उनका इधर किया गया है, तो ओवरऑल जो रेंज है स्टूडेंट्स की वो इसी रेंज में नंबर उनके बताए जा रहे हैं।
उस वजह से ही मैंने आपके साथ ये कट ऑफ शेयर की है। इस रेंज में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप सिक्योर हो, क्योंकि देखिए आप जानते भी हैं, आप किसी भी सिटी में रहते हो तो वहाँ पर आजकल कंपटीशन का ज़माना है, तो गवर्नमेंट जॉब की हर कोई प्रिपरेशन करने लगा है, क्योंकि लोग इन चीज़ों से अवेयर हो गए हैं। तो वही है कि किसी भी कोचिंग सेंटर से स्टूडेंट्स या फिर आपके टीचर्स या फिर आसपास के कोचिंग के स्टूडेंट्स मिल ही जाते हैं, जो एग्ज़ाम दे करके आते हैं, हर दूसरा तीसरा एग्ज़ाम वो दे करके ही आते हैं। तो एक्सपीरियंस के बेस पर ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके आपके साथ शेयर की जा रही हैं। बाकी अगर आपकी भी कोई आपकी क्वेरी रह गई है तो मुझे बताइए। टाइपिंग से रिलेटेड मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, जो टाइपिंग होगी 010 016, ये कुर्ती देव आप ये फ़ॉन्ट है, इस उस फ़ॉन्ट पर होगी। अब ये फ़ॉन्ट कुछ कुछ स्टूडेंट का कहता है कि कहाँ मिलेगा क्या, जैसे मंगल फ़ॉन्ट होता है वैसे ही कुर्ती देव का 010 016 होता है। अब 010 016 क्या होता है, 010 016 इसमें कुछ कोड्स होते हैं, तो कोड्स का थोड़ा सा एक मेज़र नहीं, बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, बहुत ही थोड़ा सा। उस डिफरेंस की वजह से कुछ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भाई 010 016 क्या है। ये बस एक तुम्हारा रेमिंगटन ले जैसा कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड आपने जनरली कोई कीबोर्ड देखा होगा, पीसी में लगा हुआ, उसमें रेमिंगटन कीबोर्ड का एक लेआउट होता है, मतलब कि आप उसका एक ऑप्शन आता है, उसमें आपने इंस्टॉल किया और उसके बाद उसको ऑप्शन को क्लिक किया, वो आपका आ जाएगा लेआउट। उसके बाद आप जी कुर्ती देव को सिलेक्ट करेंगे, उसका फ़ॉन्ट साइज उसमें डालेंगे 010 016, उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। बाकी का कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, एक दो कीज़ का डिफरेंस होता है, बाकी कुछ कोड्स का डिफरेंस होता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इंग्लिश वाले के लिए आपको पता ही है कि रोमन में आपको करना पड़ेगा वो। तो बाकी 2 मैंने साइट आपको बता दी हैं, उनके आपके साथ पहले भी शेयर की थी, आप उन पे कर लें, indiatyping.com और typingwala.com। इन दोनों पे ही आप अपनी एक्यूरेसी कर चेक कर सकते हैं, आपकी नेट ग्रोथ जो अपने वर्ड पर मिनट है वो कितना हो पा रहा है, इजी लेवल पे करना चाह रहे हैं, मॉडरेट पर, डिफ़िकल्ट पर। मेरा माने तो आप डिफ़िकल्ट लेवल पे ही अपने आप को करें, उसके बाद अपनी आप स्पीड को अच्छे से मेंटेन करके रखें, क्योंकि आपको जो टाइम मिलेगा वो 5 मिनट का टाइम मिलेगा और 300 वर्ड्स का आपका पैराग्राफ होगा, उसमें आपको टाइप करना होगा। तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करते रहें 1 से 2 घंटा डेली, तो आपके लिए सफिशेंट है। बट दिन में 2 बार ज़रूर करें टाइपिंग, सुबह और शाम या दोपहर या शाम को। बाकी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, और कोई क्वेरी रह गई है तो मुझसे बताएं। बाकी मैं इसके रिजल्ट के बारे में बता दूं, इसकी आंसर की आ गई है, इसका देखिए रिजल्ट मतलब जल्दी ही आएगा। जल्दी का मतलब है कि आप दिवाली इसके बाद, दिवाली 6-7 नवंबर की है, उस दिवाली के 1 वीक के बाद इसका रिजल्ट आउट हो जाएगा। तो बहुत ही जल्दी आपको टाइम नहीं मिलेगा, इसका जो रिज़ल्ट आएगा, मान लिया मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 20 नवंबर तक आ जाएगा, 20 नवंबर के बाद आपको 20 डेज़ और मिलेंगे। कहने का मतलब है कि आपका दिसंबर में टाइपिंग हो जाएगी, तो अच्छे से प्रिपरेशन में लग जाइए। जिनको नहीं भी आती है, जिनको अच्छे से प्रिपरेशन नहीं है, वो कर सकते हैं, टाइम है उनके पास। बाकी बस इतना ही, वीडियो में करते हैं नेक्स्ट वीडियो में बात। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।